नमस्कार दोस्तों, इस वक्त हम हैं खिड़किया घाट यानी कि नमो घाट पर और यहाँ पर जो बन रहा है 70 फीट ऊंचा स्कल्पचरल, ये देखिए जो नमस्ते करके पहले जो तीन हाथ बने थे अब एक चौथा बन रहा है जो कि 70 फीट ऊंचा होने वाला है। तो आइए इस वीडियो में दिखाते हैं उसके बारे में अपडेट्स और बताते हैं आपको कि कब तक यह बन करके तैयार हो जाएगा। आप जब नमो घाट पर जाते हैं तो यही रास्ता आपको मिलता है। इस रास्ते की खास बात यह है कि जो सीधा है वो चला जाता है पार्किंग की तरफ यानी कि राजघाट की तरफ, और वहीं पार्किंग एरिया भी आप देख सकते हैं, कार जा रही है, बदनाम चाय वाला भी वहीं आपको मिल जाएगा। और उसके पहले आप दो चार दुकानें देखेंगे और उसके बाद ये जो रास्ता है सीधे चले जाएंगे। यहाँ से कई लोग कन्फ्यूज होते हैं, बहुत लोग राइट साइड चले जाते हैं, लेकिन जब आप आएंगे मेन रोड से नीचे तो आपको लेफ्ट साइड जाना होता है। ठीक है, चलिए हम लोग चलते हैं। और उसके पहले आप देखेंगे कि CNG स्टेशन भी यहाँ पर है, यहाँ पर जो है ना कि CNG भरवाई जाती है। अगर आप फोर व्हीलर या बाइक से आ रहे हैं तो इस गेट के अंदर नहीं लेकर के जा सकते हैं, किसी स्पेशल व्यक्ति को ही यहाँ पर अलाउ होता है। आप देख सकते हैं पत्थरों को किस प्रकार से बांध दिया गया है ताकि अगर बाढ़ का पानी यहाँ तक आ भी जाए तो ये पत्थर ना बहें। इधर देखिए कैफ़े एरिया है, यहाँ पर नाश्ता के लिए रेस्टोरेंट वगैरह भी है, तो यहाँ आप नाश्ता पानी कर सकते हैं। और उसके बाद आप चलिए सीधे आपको लेकर के चलते हैं। नमो घाट के जस्ट बगल में एक कृष्ण भगवान का मंदिर भी है जहाँ पर आपको खूबसूरत आकृतियाँ देखने को मिलती हैं। दोस्तों अब हम लोग नमो घाट पर पहुंच चुके हैं। आप देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा विस्तार है इस घाट का। इस घाट पर आकर्षण का केंद्र है यही तीन स्कल्पचरल जो कि हाथ जोड़ करके नमो मुद्रा में है। बीच वाला जो है 15 फीट का और किनारे किनारे में 25-25 फीट का यह एक स्ट्रक्चर है जो कि हाथ जोड़े हुए नमो की तरह इंगित करता है, जैसे कि प्रणाम नमस्ते किया जाता है। और ठीक उसी प्रकार से उसके सामने खड़ा होकर के लोग फोटोग्राफी भी करवाते हैं। और इसी के जस्ट राइट साइड में, सॉरी अगर इधर से आप देखेंगे तो लेफ्ट साइड में, सामने से देखेंगे तो राइट साइड में एक और इसी प्रकार का स्कल्पचर बन रहा है जो कि 75 फीट लंबा होने वाला है। इसका इंटरनल आकार देख करके आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये जो पहले का बना है वो भी इसी प्रकार से बना होगा। हालांकि जब पहले बना था तो वहाँ पर हम वीडियो नहीं शूट कर पाए थे, लेकिन इस वाले को देख करके हम भी अंदाज़ा लगा ले रहे हैं कि बाकी के जो तीन बने हैं वो भी इसी प्रकार से बने होंगे। हालाँकि ये थोड़ा बड़े लेवल का है यानी कि 75 फीट का है, वो दोनों जो हैं वो 25-25 फीट का और बीच वाला जो है कि 15 फीट का है। आइए इसको हम और करीब से आपको दिखाते हैं, थोड़ा सा करीब चलते हैं। दोस्तों जैसा कि आपको पता होगा कि कोई भी कंस्ट्रक्शन का काम किया जाता है तो उस एरिया को चारों तरफ से घेर दिया जाता है, उसमें सिर्फ वर्कर ही होते हैं, क्योंकि कई बार दुर्घटनाएं हो जाती हैं, जो भी घूमने के लिए लोग आते हैं वो उस कंस्ट्रक्शन वाले एरिया में घुस जाते हैं और नज़दीक से जा कर के देखते हैं, ऐसे में कई बार दुर्घटनाएँ हो जाती हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए उस एरिया को हमेशा चारों तरफ से घेर दिया जाता है। तो यहाँ पर ये जो बन रहा है इसको भी चारों तरफ से घेर दिया गया, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ वर्कर ही और इंजीनियर ही यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। ये देखिए वेल्डिंग हो रहा है और वेल्डिंग के साथ ही साथ यहाँ पर लोग खड़े हैं इतनी धूप में, चूँकि ये लोहा भी इसमें लगा हो तो लोहा गर्म भी हो जाता है धूप में, और उसी तपती धूप में बना रहे हैं। एक लाइक इनके लिए आप ज़रूर कर दीजिएगा, हमारी वीडियो हमारी मेहनत के लिए भले ना करिए लेकिन इनके लिए एक लाइक ज़रूर ठोक दीजिए। और ये देखिए नमो घाट कितना बेहतरीन लग रहा है देखने में, सामने आप राजघाट का पुल भी देखेंगे। और ये देखिए भाई साहब क्या कर रहे हैं इस तपती धूप में, वेल्डिंग और कटर का काम कर रहे हैं।
और काफी खूबसूरती तब बनती है जब आप ये देखते हैं कि नीचे ट्रेन जा रही है, ऊपर लोग जा रहे हैं, और राजघाट का ये पुराना पुल, ये वही पुल है जो उत्तर प्रदेश को बिहार से जोड़ता है। साथ ही साथ ये भारत का पहला डबल डेकर ब्रिज है, तो ये काफ़ी खूबसूरती है। और काशी का यह बहुत बड़ा आकर्षण का केंद्र है, यहाँ पर तमाम फिल्में शूट की जाती हैं। एक नाव है जो कि चल दी है दशाश्वमेध और अस्सी घाट की यात्रा करने के लिए, और एक बड़ी सी नाव भी यहाँ पर खड़ी है। इसी के साथ आप देख पा रहे हैं नमो घाट, वो देखिए उस पार कितनी भैंसें चर रही हैं, खा रही हैं चारा, और ये देखने में कितना बेहतरीन लग रहा है। नमो घाट का यह स्कल्पचर जो कि 75 फीट लंबा होने वाला है नमो की मुद्रा में, ये काफ़ी भव्य है, बेहतरीन है, और यह जानकारी हमें आपको देते हुए काफ़ी खुशी महसूस हो रहा है। दोस्तों आपसे आग्रह करेंगे कि कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर साझा करें, क्या आप चाहते हैं कि इस प्रकार की वीडियोस हम आप तक लाते रहें, या कि फिर व्लॉगिंग वाला वीडियो लाएं, तो व्लॉग चाहिए आपको, या कि फिर कंस्ट्रक्शन टाइप के जो वाराणसी में जो डेवलपमेंट हो रहे हैं उसको दिखाएं, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फ़िलहाल आपके सामने ये नज़ारा, उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आपको यह वीडियो बिल्कुल अच्छी लगी होगी। इस चैनल पर नहीं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हर हर महादेव।